नमस्कार आदाब, और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। आज मैं आ पहुंचा हूं कन्नौज जिले के कस्बा सौरिक में। सौरिक के पास एक गांव है मोहद्दी नगर, जहां पर बुखार से पीड़ित और डेंगू से पीड़ित काफी मरीज देखने को मिल रहे हैं। क्या है यहां की सच्चाई, आइए यहां की आवाम से पूछते हैं। यहां की समस्या, हमारे यहां बुखार ज्यादा चल रहा था। हमारे ग्राम सकरावा का ये मोहल्ला मोहद्दी नगर है, इसमें काफी लोग बुखार से पीड़ित थे। कल मैंने देखा तो मैंने यहाँ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्दीकी साहब, अजहर सिद्दीकी साहब से बात हुई। मैंने उनको अवगत कराया, उन्होंने कन्नौज सीएमओ साहब से बात करके और ये पूरी टीम को भेजा। मतलब बुखार हो चल रहा है और जैम दर्द हो रहा है, सारे काम है, मतलब बीमारी फैली है और यहाँ के डॉक्टर सही नहीं करवा रहे हैं, मतलब कछु हाय कछु बता रहे हैं। तब ये ऐसी गलती बताते हैं, चेक कराने जाते हैं तो बता देंगे ये है चीज़, कुछ और बताएंगे। बुखार रहता है, हाँ, तो हैं। इससे पहले आपने कहीं पर दिखाया था क्या? नहीं, अभी तो कहीं नहीं दिखाया, यहीं पर आया। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हाथ पाँच दर्द, कतरा बुखार है, ठंडा। अच्छा, भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे जो डॉक्टरों का सीधा कंसेशन बना हुआ है पैथोलॉजी से, और ये डॉक्टर सीधा सीधा बोलते हैं कि जाओ चेक करा के आओ। नॉर्मल बुखार भी चेक कराने के लिए बेकायदे भेजते हैं यहाँ के डॉक्टर। जैसा कि आपने सुना है काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ के एक मौजूद इंसान है सतीश शर्मा जी ने मुझको अवगत करवाया। इनके माध्यम से आज हम सकरावा मोहद्दी नगर में आ पहुँचे हैं और यहाँ के डॉक्टर लोग, डॉक्टरों की टीम आज पहुँची है। पहले प्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कितने मरीज आए हैं और कितने को आपने देखा है, कितनों को डेंगू हुआ है, कितने बुखार से पीड़ित हैं। आइए डॉक्टर प्रिया से बात करते हैं। आज ये जो आपने कैंप लगाया है किसके माध्यम से लगाया है ये? जी, ये मेडिकल मोबाइल यूनिट टीम होती है, तो हमारे सीएमओ ऑफिस में इसके रिपोर्ट गई हुई थी कि इस गांव में सकरावा के पास में डेंगू और मलेरिया के काफ़ी पेशेंट हैं, जो कि टाइफाइड के भी बढ़ रहे हैं। तो इसके थ्रू हमारी इमरजेंसी ड्यूटी यहां पर लगी हुई है और हमने जो चेकअप किए हैं वो 40 अराउंड चेकअप हो चुके हैं अभी तक, जिसमें कि सिर्फ एक पेशेंट पॉजिटिव आया डेंगू और टाइफाइड, जिसको दोनों हैं। इसके अलावा जो हमारी टोटल जो जांचें हुई हैं, जो पेशेंट हमारे पास आए हैं, जो कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, वो 60 के अराउंड हो चुकी है। जी, और कुछ कहना चाहती हैं? बस इतना कि यहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ी कम है, जिसकी व्यवस्था करनी चाहिए और लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दांत वगैरह और जो डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, खाना जो है वो खुले में ना रखें, पानी जो है वो उबाल कर पिएं, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। जुलाई से लेकर सितंबर तक कई बार ऐसा होता है कि डेंगू और मलेरिया टाइफाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। तो इनके लिए रोकथाम करने के लिए सरकार भी काफ़ी मुहिम चला रही है, तो साथ में सरकार के साथ साथ मेडिकल यूनिट टीम भी रहती है और साथ में आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ डॉक्टर प्रिया मौजूद थी, इन्होंने अपनी पूरी बात को बताया है। लेकिन एक मेन इसमें साफ बात ये दिख रही है कि यहाँ की सफाई को लेके, यहाँ जो सफाई, ज़्यादातर बीमारी यहाँ पर गंदगी से फैल रही है। ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए डी भारत के साथ। नमस्कार।